हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले कि चार वीडियोस में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और उसके बाद कंप्यूटर के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर ली हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। टुडे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बुक में मैंने निकाल रखा है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइस हैव इवॉल्व्ड इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द इवोल्यूशन कंप्यूटिंग डिवाइस इज शोन थ्रू ए टाइम लाइन एट फिगर 1.5। ओके, ये 1.4 है, अभी हम 1.5 फिगर देखते हैं। फिगर 1.5 में हम आ गए। ये बेसिकली एक थ्योरी है जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स जहाँ से हमारी शुरू हो रही है ये बात। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, हम पढ़ चुके हैं। फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ALU और CU भी हम पढ़ चुके हैं। ए मेमरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड और रिसीव द डेटा आउटपुट डेटा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ENIAC इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ओके, सो ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि फर्स्ट बुलियन या बाइनरी कंप्यूटर कौन सा है। ओके, सो उसके बाद ड्यूरिंग द 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप। ओके, उससे पहले ये जो फिगर है 1.5, इसमें आप देखिए कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो स्टार्टिंग से चली हैं और आज तक के बारे में बताया है। जो 500 BC वहाँ पे एबिकस जो हमारा स्टार्ट हुआ, ओके, उसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद 1642 ये एयर है पास्कलाइन और ब्लेज पास्कल ने जिसको इन्वेंट किया था। फिर 1834 में एनालिटिकल इंजन था जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया। ओके, फिर टैबुलेटिंग मशीन्स आने लगी, ये सारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हुआ है। उसके बाद 1945 में ये ENIAC जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा, जॉन वॉन न्यूमन ने जिसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर्स आए और अब ICs 1970 से लेकर टिल देन ICs और आगे टेक्नोलॉजीज़ आ गई जो इन्होंने यहाँ पर शो नहीं करी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, सो ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको नोट्स में, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी एक हिस्ट्री, VLSI सिस्टम क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI, ये फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के टेक्नोलॉजीज़ हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं IBM इंट्रोड्यूस इट्स पर्सनल कंप्यूटर PC फॉर द होम यूज़र इन 1981। एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटोश, जिसे आज हम शॉर्ट में मैक बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी फुल फॉर्म या ये कह लें कि पूरा नाम मैकिंटोश है, जिसे हम लोग मैक बोलते हैं। मशीन इन 1984, द पॉपुलरिटी ऑफ द PC सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है, इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया, इंटरफेस हमारे पास है, एक CLI है और एक GUI है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस है जो मैं आपको दिखा दूं कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ CMD, जस्ट लाइक दैट CMD जैसे हमारा है, जिसमें हमें कमांड्स लिख लिख के बस अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं C के अंदर यूज़र के अंदर HP में हूँ, मुझे बैक आना है तो मैं CD... चेंज डायरेक्टरी कर देता हूँ। फिर मुझे CD... करना है, मैं चेंज डायरेक्टरी, मुझे अपनी दूसरी डिस्क में जाना है, फॉर एग्जांपल F में जाना है, मैंने F लगाया, कोलन लगाया तो मैं उसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से जो हम सिस्टम यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, पहले कंप्यूटर यूज़ करते थे, ये थे CLI सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस था ये, बस कमांड्स हम दे रहे हैं और हमारा वर्क हो रहा है। अब जो ये वर्किंग हो रही है काय पे होती है, हम क्या यूज़ करते हैं, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हर चीज़ हमें एक ग्राफिक की फॉर्म में नज़र आ रही है, चाहे वो माउस का कर्सर हो या एरो हो या फिर हमारे ये सारे आइकन्स हो जो हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या ये स्कैन ETC, सारे डॉक्यूमेंट्स,
या सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स की एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमें शो किए गए हैं अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। तो वो ईजी है कि हर थोड़ा बहुत जो भी पढ़ सकता है लिख सकता है वो ईज़ली कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, ख़ासकर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये कुछ प्रोसेसर्स की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर्स की, कि स्टार्ट कैसे हुए और कोर i7 तक हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले i5, i3 और कोर 2 ड्यू और पेंटियम 5, पेंटियम 3, पेंटियम 2, ओके, ये सारे, ये डुअल कोर, ये सारे सिस्टम्स थे। ये उनकी कुछ एयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं 2020 तक की इन्होंने भी लिखे, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं वो भी अभी हम बात करेंगे जब सॉफ्टवेयर्स में हम आएंगे, तो अच्छे से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि यूनिक्स क्या है, डॉस क्या है। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अराउंड 1990s ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, कैसे यूज़ करते हैं। हालाँकि ये एक पूरी छोटी सी एक उसके हिस्ट्री थी कंप्यूटर की, या कह लीजिए एवोल्यूशन है एक, कि कैसे कंप्यूटर यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक आ गए हैं। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट, दिस वाज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स टैबलेट, हमारे स्मार्टफोन्स हैं टैबलेट हैं, ये भी तो एक तरीके से कंप्यूटर ही हैं, और इन्हें कहते हैं हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसके अंदर आते हैं ये पोर्टेबल कंप्यूटर जो होते हैं, एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दीज डिवाइसेज हैव लेवर्ज्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोसेसर, ओके, फास्टेस्ट मेमोरी, हाई स्पीड डेटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड वेयरेबल गैजेट्स सच एज स्मार्ट वॉच। अब ये जो बात हो रही है अब आज के टाइम की हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि अब कंप्यूटर हमारा किस साइड जा रहा है, किस लाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कौन से फ्यूचर क्या है, किन टेक्नोलॉजीज पे फ्यूचर है। आप ये देखिए स्मार्ट वॉचेज हैं, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, लेंसेज हैं, हेडबैंड्स हैं, हेडफोन्स हैं, ETC। फर्दर स्मार्ट एप्लीकेशंस कौन सी हैं, अप्लाइंसेस जो हैं, आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग, बहुत हॉट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो एक बहुत आपको इसके बारे में मिलेगा, और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस पे काम हो रहा है IoT पे, या बिग डेटा पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, या मशीन लर्निंग है। यहाँ पे कुछ दो दे रखे हैं, IoT दे रखा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि अब तक जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे और कंप्यूटर के बारे में हम जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर पढ़ते थे, या डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर या एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, उनमें हम कहीं पढ़ा करते थे, तो कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते थे कि वो डम्ब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर कोई भी अपने पास से डिसीज़न नहीं लेता, ठीक है, कंप्यूटर डिसीज़न मेकिंग नहीं होता है, डेलीगेंस है कंप्यूटर। बट अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि कंप्यूटर अपने पास से कोई डिसीज़न ले, हम उसे इतना ट्रेंड कर दें, ऐसे ट्रेंड कर दें जिसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो शायद उसने पढ़ा होगा ट्यूरिंग टेस्ट में हमने देखा कि कैसे वो कंप्यूटर मशीन को ट्रेंड करते हैं, कि उसे सिखाते हैं सारी चीज़ें। कंप्यूटर अब तक डम था, बट अब जो मैकेनिज्म या अब जो टेक्नोलॉजीज़ कंप्यूटर की आने वाले टाइम में आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्हें हम बोलते हैं, ये नॉलेज का यूज़ करके अपने पास से डिसीज़न भी लेंगे, ओके। सो ये भी आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजीज़ हैं, और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ग्रोथ करने वाली टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग और AI है, मशीन लर्निंग वगैरह, ओके। सो ये एक ओवरव्यू था, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इनके बारे में ईयर्स वगैरह याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंप्यूटर मेमोरी, और क्या होती है मेमोरी, कैसे उसका यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देखते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके।